अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत मज़ेदार किस्म की रेसिपी करने जा रहे हैं। कहने को तो ये एक सैलड की रेसिपी है, लेकिन इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपने कभी सैलड के अंदर सुने शायद ना हो। और ये मेरी अपनी पर्सनल फेवरेट रेसिपी है, बहुत क्विक एंड इजी है बनाना। इस सैलड के पीछे एक बहुत ही फनी स्टोरी छुपी हुई है कि मेरे घर में एक दिन अच्छे खासे गेस्ट आ रहे थे और मेरे पास सैलड के लिए जो इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए थे वो लग तो ऐसा रहा था कि शायद वो आपस में रिलेट ना कर सके, क्योंकि कुकिंग इज़ ऑल साइंस। जब उन इंग्रेडिएंट्स को मैंने आपस में देखा, उनको डाला, तो पता चला कि ये तो बहुत मज़ेदार बनते हैं। सोचा क्यों ना गेस्ट के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया जाए। और ये एक ऐसी एक्सीडेंटल किस्म की रेसिपी बनी जो सबको इतनी पसंद आई, ट्रस्ट मी, कि आज तक वो लोग मुझसे इसकी रेसिपी मांग रहे हैं। तो मैंने सोचा कि रेसिपी देने के बजाय इसके ऊपर एक वीडियो क्यों ना बना ली जाए, क्योंकि ये मेरी तो मोस्ट फेवरेट है। चलो मैं जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। सबसे पहले इसके लिए हमें रिक्वायर्ड होगा बीफ। आप चाहें तो चिकन के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी ऑन दैट, ये बीफ के साथ ही ज़्यादा अच्छी बनती है। चिकन इज़ लाइक ओके, बट बीफ इज़ वेरी नाइस। बीफ का मैं आपको कट दिखा देती हूँ। ये बहुत बारीक स्ट्रिप्स में कटता है। जितना आप इसे बारीक कर सकें कोशिश करें कि ये बाहर से ही कटवा लें, बुचर से, बिकॉज उनके पास तेज़ नाइफ होती हैं, बहुत प्रिसिशन के साथ आपको ये कट करके दे सकते हैं। बीफ को डाल देंगे बाउल के अंदर। ये मेरे पास तकरीबन 70 ग्राम बीफ है और ये 2-3% के लिए मोर देन इनाफ। इसके अंदर फिर ऐड करेंगे 2 टीस्पून गार्लिक मिर्च। यहाँ पर मेरे पास चंद मसाले मौजूद हैं, इनको भी इसमें ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून अनियन पाउडर, 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स एंड 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। और इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। आप ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों का तेल है तो वो इस्तेमाल कर लीजिए, मैं सनफ्लावर का कर रही हूँ। इसको अच्छे से आप मैरिनेट कर लेंगे। बीफ जितना अच्छा मैरिनेट हुआ होगा उतनी ही मज़ेदार आपकी सैलड बनेगी। अगर आपके पास कम टाइम है तो कोशिश कीजिए कि तकरीबन एटलीस्ट 30 मिनट्स टू 1 आवर के लिए तो ज़रूर मैरिनेट इसे कीजिएगा। चुका है, अब इसे हम रेफ्रिजरेट करेंगे फॉर अबाउट 4 आवर्स के लिए। आप 30 मिनट्स के लिए भी कर सकते हैं, टोटली डिपेंड्स कि आपके पास टाइम कितना है। इसको ओवरनाइट करके भी आप बेशक रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। सो अब हम स्टार्ट करेंगे विनीगर के साथ। विनीगर को बनाना बहुत आसान है और यही एक्चुअली है स्टार ऑफ द रेसिपी होगा। सो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 tablespoons hot sauce, 1/2 teaspoon chopped garlic, आप मिंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 teaspoon chili flakes, 1/2 teaspoon black pepper and 1/2 teaspoon salt। के करीब डालेंगे ऑयल, टू टू 2.5 टेबल स्पून ऐड करेंगे वाइट वाइन विनीगर का। वाइट वाइन विनीगर इजीली मार्केट में अवेलेबल है, अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप जो हमारा रेगुलर विनीगर होता है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको भी आपने 1 टेबल स्पून ही ऐड करना है, क्योंकि वो बहुत हार्ड होता है, बहुत तेज होता है। वाइट वाइन विनीगर की खासियत ये है कि ये बहुत फ्रूटी सा टेस्ट रखता है और बड़ा रिफ्रेशिंग सा उसका टेस्ट आता है, जिसकी वजह से इसको विनीगर में जब आप ऐड करते हैं तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। विनीगर की टेंडीनेस को बैलेंस करने के लिए इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून ऑफ हनी का। हनी अगर आप और ऐड करना चाहें तो बेशक आप और भी ऐड कर सकते हैं, टेस्ट डिपेंड ऑन योर टेस्ट प्रेफरेंसेस। साथ ही इसमें ऐड करेंगे मज़ीद फ्रेशनेस के लिए फ्रेश लेमन जूस।
स्पून से अच्छे से मिक्स कर लूँ। मैं ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल और पैन को बहुत गर्म करेंगे। उसके बाद हम ग्रिल करना शुरू करेंगे। पैन गर्म हो चुका है, अब इसमें ऐड करते हैं घी को। घी के जितने थिनली स्लाइस्ड होंगे उतना बेटर ही कुक हो सकता है। अदरवाइज ज़्यादातर घी अगर थोड़े से भी थिक साइज इसमें हो तो वो रबड़ी बन जाते हैं। इसलिए इसको जितना आप थिनली कट कर सकते हैं उसको ज़रूर कीजिएगा, अदरवाइज इसको कुक करना बहुत मुश्किल है। पैन को मीडियम हीट पर ले आइए, हाई हीट पर। टू फाइव मिनट के अंदर आपका बीफ आराम से कुक हो जाएगा। ये बीफ के ऊपर स्टोव को कर लेंगे बंद और बीफ को करते हैं सेलर साइड। अब हम असेंबल करेंगे हमारी सेलर। तो सबसे पहले अब हम असेंबल करने के लिए डालेंगे हमारी ग्रीन्स को। यहाँ पे मेरे पास सैलेड लीफ मौजूद है, इसको ऐड कर देंगे बाउल में। इसके अंदर ऐड करेंगे ग्रीन एप्पल्स, जी बिल्कुल इसके अंदर एप्पल्स भी जाएंगे। इसको चॉप कर लीजिए, बारीक बारीक जूलियन कर लीजिए। इट्स टोटली आई नो आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि सैलड के अंदर पीस भी जा रहे हैं, रेजन्स भी जा रहे हैं, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, इट टेस्ट अमेजिंग। सो इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन हाफ कप ऑफ रेजन्स। मेरे पास ये अफगानी रेजन्स मौजूद हैं, आपके पास जौन से भी रेजन्स मौजूद हो तो आप उसको ऐड कर लीजिए, ग्रीन वाले, गोल्डन वाले, जो भी आपके पास मौजूद है। इसमें ऐड करेंगे पास्ता, मेरे पास पेने पास्ता मौजूद है। अगर आपके पास मैक्रोनी हो आप बेशक मैक्रोनी का इस्तेमाल कर लीजिए। सी इसके अंदर बहुत कुछ ऐड हो रहा है, रॉ हो चुका है, इसको भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। बीफ को आपने गरम गरम ऐड नहीं करना, थोड़ा सा इसको कूल डाउन होने दीजिएगा और फिर सैलेड के अंदर ऐड कीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमने विनीगर को प्रिपेयर किया था उसको अच्छे से स्टर करेंगे और डाल देंगे। सैलेड को अच्छे से स्टर कर लें और सब कुछ कर देंगे मिक्स। देखा आपने कितना क्विक और मज़ेदार किस्म का सैलड बना। ये तो खैर आप मुझे खाकर ही बताइएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। मेरा तो ये मोस्ट फेवरेट है, मेरे घर में आज तक जिसने ये खाया है उसने हमेशा यही पूछा कि ये बनाया कैसे है। सो आज सबको ये रेसिपी मिल जाएगी इस सैलड की और फिर आप बना के खुद भी खाइएगा और सबको खिलाइएगा। सबसे फनी बात यह है कि मैंने सैलड का अभी तक नाम नहीं सोचा, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस सैलड को क्या नाम दूँ। सामने सैलड सर्व करना हो तो विनीगर आपने हमेशा एंड में डालना है, बिकॉज जो इसके अंदर विनीगर और बाकी सॉसेस हैं वो वेजिटेबल्स को ब्रेक डाउन कर देंगी, ख़राब कर देंगी, स्पेशली एप्पल्स और सैलेड लीफ को। सो हमेशा इसको एंड में ही आपने मिक्स करना है। अब इसको करेंगे खूबसूरत सा प्लेट और फिर मज़े लगे खाएंगे। सैलेड को करेंगे इसके अंदर प्लेट। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सैलेड कैसा लगा।
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप और मज़ीद मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो कि बजट फ्रेंडली भी हो और क्विक भी हो सीखना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुकिंग है बिल्कुल तैयार, मैं आपको इसका क्लोजअप दिखाती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में।